अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसा रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसका नाम है एग टोस्ट। इसे बनाना बहुत इजी है और इसे मैं 3 डिफरेंट वे से डिज़ाइन करूँगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन ब्रेड। मैंने यहाँ पर 3 ब्राउन ब्रेड ली हूँ और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 3 एग्स ली हूँ, क्योंकि एग तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर 2 एग्स को पहले बॉयल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही पानी गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें एग डाल लूँगी और 5 से 10 मिनट तक इसे हमें बॉईल कर लेना है और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जब आप इसे बॉईल करते हैं। उसके बाद हमें टोस्ट बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड को रोस्ट करना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ से ये धीरे धीरे हमें इसे टोस्ट करना है। तो जब आप धीरे धीरे टोस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और अगर आपके पास टोस्टर है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है थोड़ा सा घी या बटर लगाने का, लेकिन जैसे कि हम हेल्दी वे में जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, बटर यूज़ नहीं करूँगी। और मैंने ब्रेड पे अच्छे से घी लगा लिया है और इसी तरह से तीनों ब्रेड को मैं अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 2 बॉइल्ड एग अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जब आप एग सैंडविच बनाते हैं तो आप उसका ऑमलेट बनाते हैं, उसके बाद सैंडविच बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग टोस्ट बना रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट बनेगा लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये क्रिस्पी होने वाला है। तो अगर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा लिया है जिस पे मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्ची और कैप्सिकम। मेरे पास रेड कैप्सिकम भी था, मैंने वो भी डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, हमें इसे बस थोड़ी देर तक शैलो फ्राई करना है। और अब जैसे कि सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी अंडे जो बॉयल किए हुए थे और मैंने छोटे पीसेस में कट कर ली थी। उसके बाद इसे थोड़ी देर तक अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं बाकी चीज़ें ऐड करूंगी। और एक सजेशन है कि अगर आप इसे वेट लॉस जर्नी के लिए ले रहे हैं तो आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे हमने एग डाला है तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहेगा। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। यहाँ पे आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है जस्ट फॉर कलरिंग पर्पज़। और मैंने यहाँ पर मिर्ची का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा ऐड की हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की हूँ। ये दोनों चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉस। तो मैंने यहाँ पे शेजवान चटनी ऐड की हूँ, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट टेस्ट करेगा जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे ही शेजवान चटनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी मैंने ऐड कर लिया था। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग पॉच बनाने की। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज मैं एग टोस्ट बना रही हूँ और वो भी 3 डिफरेंट स्टाइल से मैं उसे डिज़ाइन करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे एग पॉच बना लूँगी। और आपको पता चलेगा कि आप किस किस वे से एग टोस्ट बना सकते हैं और इसे आप टिफ़िन में ऐड कर सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हाई प्रोटीन डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल 10 मिनट में बन जाने वाली डिश है। यहाँ पे एग पॉच बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख के इसी तरह से बना सकते हैं। एग को अच्छे से तोड़ लेना है। उसके बाद हल्का सा हम तेल डालेंगे और एग डालेंगे हम पैन में और इसे हमें बस एक साइड से पकाना है। तो जब आप देखेंगे एक साइड से ये अच्छे से पक चुका है तो दैट मीन्स ये फाइनली बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया, उसके ऊपर मैं यहाँ पे एग पॉच डाल रही हूँ। अभी नेक्स्ट ब्रेड में मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करूँगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एग का मसाला मैं इसमें डालूँगी। तो जैसे कि मैंने मेयोनीज़ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी एग मसाला और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नाश्ते में क्या बनाऊं, और नाश्ते में कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत ही जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो। और प्लस इसमें बहुत अच्छी बेनिफिट ये है कि ये आपको वेट लूज़ के लिए भी हेल्प करता है। अब थर्ड ब्रेड में मैंने बस एग का मसाला डाल लिया है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दूँगी। इसी तरह से आप अपने एग टोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और बच्चों को जिस हिसाब से पसंद है ना, आप उस तरह से उसे दे सकते हैं। उनको लगेगा ही नहीं कि ये इतना हेल्दी है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। और आप भी इसे बनाइए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। वैसे आज के लिए इतना ही, लेकिन तब तक के लिए आपको मेरे अकाउंट में जाना है और सारे वीडियोस चेकआउट करने हैं। इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना है, क्योंकि अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगी। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि एग पोच हमारा कितना परफेक्ट बना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फोक ले रही हूँ और दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इतना लिक्विड पसंद नहीं है तो आप इसे दोनों साइड से अच्छे से पका सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़।